आप देख रहे हैं E7 News में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। कर्नाटक विधानसभा के 224 सीटों पर मतदान, 2615 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे 5,30,00,000 से ज्यादा मतदाता, 13 मई को आएंगे नतीजे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा दावा, कर्नाटक में कांग्रेस पूर्ण बहुमत के साथ 130 से 135 सीटें जीतेगी, लोगों ने बदलाव का बनाया मन। कर्नाटक में कई दिग्गजों की किस्मत हो जाएगी ईवीएम में कैद, सिद्धरामैया, एच डी कुमार स्वामी, जगदीश शेट्टकर और डी के शिवकुमार की किस्मत दांव पर। कर्नाटक में क्या कर रही है गोवा की बसें, कांग्रेस हुई अलर्ट, पूछा क्या चुनाव आयोग करेगा कोई कार्रवाई। कर्नाटक के साथ एक लोकसभा, 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, 13 मई को आएंगे नतीजे। पहलवानों की याचिका पर आज दिल्ली के रावत जेटनी कोर्ट में हुई सुनवाई, कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से मांगी जांच की स्टेटस रिपोर्ट, अब 12 मई को होगी अगली सुनवाई। पीएम मोदी और अमित शाह पर संजय रावत का वार, बोले 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक में बीजेपी का हारना होगा शुभ संकेत। हैदराबाद कर्नाटक के 30 सीटों में से बीजेपी को 4 से 7, कांग्रेस को 22 से 25, जेडीएस को 0 से 2 और अन्य को 0 सीट मिलने का अनुमान है। मुंबई कर्नाटक की 50 सीटों में से बीजेपी को 15 से 18, कांग्रेस को 31 से 34, जेडीएस को 0 से 1 और अन्य को 0 से 1 सीट मिल सकती है। कोस्टल कर्नाटक की 21 सीटों में से बीजेपी को 11 से 14, कांग्रेस को 7 से 10 सीटें मिल सकती है, जबकि जेडीएस और अन्य का यहां खाता खुलता नहीं दिख रहा है। इसी तरह की ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए देखते रहिए E7 News।